कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा बचत भवन के समीप प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई। शहर के लोगों को अब हफ्ते में 3 बार प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार की गई देशी सब्जियां खाने को मिलेंगी। आत्मा प्रोजेक्ट किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती से जोड़ रहा है ताकि किसान जहर मुक्त खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर सकें। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा बचत भवन के समीप प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई। शहर के लोगों को अब हफ्ते में 3 बार प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार देसी सब्जियां खाने को मिलेंगी। किसानों की 1.5 क्विंटल सब्जी हाथों हाथ ही बिक गई। आत्मा प्रोजेक्ट किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती से जोड़ रहा है ताकि किसान जहर मुक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर सकें। बताया जा रहा है कि 10 किसानों द्वारा तैयार की गई मूली, पालक, मेथी, अदरक, आलू, पपीता और गलगल चंद घंटों में ही बिक गया। लोगों को अब हफ्ते में सोमवार व गुरुवार को बचत भवन के समीप और शुक्रवार को हथली पुल के पास देसी सब्जियां खरीद सकेंगे। मंडी लगाने वाले किसान ने बताया कि बचत भवन के पास प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की मंडी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इन सब्जियों को तैयार करने के लिए गाय का गौमूत्र और गोबर से खाद तैयार की जाती है। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा का आभार जताया है कि उन्हें सब्जियां बेचने के लिए बचत भवन के समीप जगह दी ताकि उन्हें अपनी सब्जियां बेचने में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। सब्जी यहाँ लगाई अपनी मंडी किसानों द्वारा, इसमें 10-12 फार्मरों का जो एक ग्रुप है जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा है, तो उस विधि से तैयार की गई है। इस विधि में विशेष करके जो देसी गाय है उसका गोमूत्र और गोबर का प्रयोग होता है, उसकी खाद तैयार की जाती है और उसी विधि से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं ताकि जो उनके ऊपर कीटों का अटैक हो उसका स्प्रे हम लोग करते हैं ताकि जो जहर मुक्त और जो दूसरी खेती हम खादों के रूप में करते थे उसके जो नुकसान आदमी के शरीर को हो रहे थे उनको बचाने के लिए ये जो प्राकृतिक उत्पाद है और ये किसान जो अब पैदा कर रहे हैं। और माननीय जिलाधीश महोदय ने जो हमें यहाँ बचत भवन के आगे जगह दी है कि आप अपनी मंडी यहाँ पे सोमवार और गुरुवार को लगा सकते हैं, तो उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक ये मंडी होगी क्योंकि उनके जो उत्पाद हैं उनका अच्छा मूल्य मिल रहा है, जो उनकी मेहनत है उसका अच्छा उनको फल मिल रहा है और साथ में जो लोग हैं उनको स्वस्थ के रूप से तैयार सब्जी और ये जो हम लोग प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं वो उनको खाने को और इसके मिलेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य के अंदर किसी प्रकार का विकार ना आए। कि इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे किसान थे जो आज लाए थे लगभग 2-2.5 के लगभग आज ये सारा प्रोड्यूस था। पहला दिन था आज गुरुवार का, तो आप देख रहे हैं उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो गया है। तो सोमवार को जो प्रोड्यूस है वो किसानों द्वारा जो लाया जाएगा उसकी हम मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा ये मंडी है वो अच्छे ढंग से चल सके। आपने कहाँ से सीखी है जैसे ये विधि? इसका जो विधि का है इसका 2 साल पहले 1.5-2 साल पहले पालमपुर में ट्रेनिंग ये जो इस विधि के ज्ञाता हैं सुभाष पालेकर जी पद्मश्री वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा यहाँ के हमीरपुर के 95 लोगों को पहले फेस में प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वो इस विधि से काम करें। तो इसको करते करते 1 साल तक किसान ने इसका पूरा अनुभव प्रैक्टिकल किया। वो 1.5-2 साल बाद जो प्रोड्यूस है वो पूरी तरह से इसको हम जहर मुक्त पैदा करने में और अच्छी उसकी प्रोडक्शन लेने में सक्षम हुए हैं क्योंकि इस विधि से जो वो फर्स्ट 1-1.5 सीजन होगा उसमें थोड़ी सी किसान को दिखते हैं क्योंकि नई चीज़ में मुश्किल करना और ये करना, लेकिन जैसे जैसे वो कर लेगा उसकी अपने आप ही रुकावटें हट जाएंगी। और जो
किसान ये बोलता था कि मुझे मंडी नहीं मिल रही है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं मेरी चीज के, वो सबसे बड़ा मंच आने वाले समय में आपके समक्ष ये जो मंडी का आज अपनी मंडी वाले जो दिन है वो बड़ा भारी एक अच्छा साबित होगा हम किसानों के लिए। नाम क्या जी? मेरा नाम कमल लखनपाल और जो ताल है उस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, SPMF का जो कार्य है उस पर मैं कर रहा हूँ। के दाम से हमारा जो डिफर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी उसमें केवल है जैसे आप समझे तो एक केजी में 5 या 4-7 रुपए का जो कॉस्टली थोड़ा वेरिएशन है वो ये आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इसको फ्रेश ताज़ा और जहर मुक्त दे रहे हैं। इसमें थोड़ा जो प्रोड्यूस होता है, अगर आप केमिकल और दूसरे रूम में जाएं तो उससे प्रोडक्शन तो अच्छी आ जाती है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी अभी कम आती है, लेकिन जो इसका टेस्ट है, जो इसकी रहने की क्षमता है प्रोड्यूस की, वो ज़्यादा लंबी है और इसके अंदर जो तत्व हैं वो सब विद्यमान है, क्योंकि इनको हमने जहर से ये नहीं किया है। ऑर्गेनिक नहीं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, जो चीज़ें परमात्मा द्वारा प्रकृति में हमारे पास है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक एक कंपोनेंट अलग विषय है, वो ऑर्गेनिक आप खाद्यान भी मिल रही हैं, बाल्टियाँ भी मिल रही हैं कि खाद ये डालो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एक कल्चर है। और प्रकृति क्या है, जो आपके बुजुर्ग करते थे पुराने समय में खेती उसी विधि से खादों के बगैर, उसको प्राकृतिक, चाहे पत्ता रहे चाहे